श्रीमती गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में पुराना भिलवाड़ा स्थित उदयलाल समनानी ने पतादा मोहल्ले में तुलसी एवं बिलपत्र के पौधे वितरित किए। इस अवसर पर जिला माहेश्वरी सभा मंत्री देवेंद्र सोमानी ने बताया कि घर का वास्तु सुधारने में तुलसी पौधा लगाया जाना चाहिए। तुलसी पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, मौसमी बीमारियों में लाभदायक साबित होता है। ट्रस्ट के महावीर समदानी ने बताया कि 4 वर्षों से राम एवं श्याम तुलसी पौधे निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। गमलों में लगाने के लिए तुलसी पौधे एवं गार्डन में लगाने के लिए बिलपत्र के पौधे क्षेत्रवासी ले गए। इस अवसर पर उदयलाल समदानी, दामोदर लाल लड्ढा, ओम प्रकाश कोकटा, शंभू प्रसाद काबरा, राम नारायण सोमानी, राम स्वरूप सामरिया, बनवारी लाल सोमानी, प्रदीप शारदा, दिनेश पदादा, रमेश लाठी ने निःशुल्क पौधे बांटे। 4 भुजा नाथ की जय। हमारी माँ के नाम से गंगा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जो विगत 16 साल से चल रहा है, उनके हिसाब से हमने तुलसी और बिलपत्र 500 पौधे देने का एक विचार किया। हर साल देते हैं, यदि उससे ज़्यादा भी होगा तो हम व्यवस्था कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस भीलवाड़ा नगर में घर घर के अंदर तुलसी और बिलपत्र लगे, इससे आधी बीमारियाँ अपनी दूर हो जाए। तुलसी का पौधा हर घर में लगना चाहिए, कि हमने एक विचार किया है। जय गणेश। उदयलाल जी, बाबू जी के माता जी की पुण्य स्मृति में गंगा बाई चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज ये पर्यावरण के साथ साथ जनहितकारी के साथ साथ संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये कार्यक्रम हाथ में लिया है। जैसा कि आप सबको जानकारी, कोरोना काल में भी एक बहुत बड़ी महामारी है, इसमें तुलसी का एक बहुत बड़ा योगदान है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। सभी को जानकारी होनी चाहिए कि 24 ही घंटा ये ऑक्सीजन देती है, इसलिए भी घर घर में, हर घर में ये पौधा होना चाहिए। ऑक्सीजन की उपलब्धता रहती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो ये एक जनहित का कार्य हाथ में लिया है बाबूजी ने, बहुत अच्छा है।